रेप का आरोप जब कभी किसी पे लगता है तो एक सनसनी बच जाती है, और वो अगर किसी नेता के खिलाफ हो तो देश में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। ऐसा ही तब भी हुआ था जब एक छात्रा ने एक वीडियो वायरल कर चिन्मयानंद पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। यूपी के शाहजहांपुर में LLM छात्रा से यौन शोषण के मामले में नया मोड़ आ गया है। पिछले साल 24 अगस्त को स्वामी सुखदेवानंद लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली LLM की छात्रा ने एक वीडियो वायरल कर चिन्मयानंद पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। यह डिग्री कॉलेज चिन्मयानंद का ही है। पीड़ित के पिता ने शाहजहांपुर स्थित कोतवाली में उनके विरुद्ध केस दर्ज कराया था। इसी मामले में चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह ने एक अज्ञात मोबाइल नंबर से 5 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का केस दर्ज करा दिया था। मंगलवार को पीड़ित लड़की अदालत में गवाही के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद उर्फ कृष्णपाल सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों से मुकर गई। इसके कारण उसके वकील ने ही लड़की को बयान से पलटने वाला यानी कि हॉस्टाइल घोषित कर दिया और उसके खिलाफ CRPC की धारा 340 के तहत अदालत में केस की एक अर्जी दाखिल कर दी। कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने अभियोजन की इस अर्जी को रजिस्टर करने और उसकी कॉपी पीड़ित और अभियुक्त को देने का आदेश दिया है ताकि वे जवाब दाखिल कर सके। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। यौन शोषण के आरोपी चिन्मयानंद की 20 सितंबर 2019 को मुमुक्ष आश्रम से गिरफ्तारी हुई थी। SIT ने UP पुलिस के साथ मिलकर चिन्मयानंद को गिरफ्तार किया था। मामले में 4 नवंबर 2019 को SIT ने चिन्मयानंद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। उन पर IPC धाराएं 376 सी, 354 डी, 42 व 506 के तहत लगाई गई थी। 13 पेज की चार्जशीट में 33 गवाहों के नाम और 29 दस्तावेजी सबूतों की लिस्ट भी दी गई थी। इसी साल 3 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद केस की सुनवाई शाहजहांपुर जिले अदालत के से लखनऊ MPMLA कोर्ट में ट्रांसफर की गई। इसी रोज हाई कोर्ट से अभियुक्त चिन्मयानंद की जमानत अर्जी भी मंजूर हुई थी। आरोप लगाने वाली युवती पर भी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल कर रंगदारी मांगने का आरोप है और कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही है।